हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की बात हो रही है श्री राजीव दीक्षित जी के भरपूर ज्ञान के भंडार में से कुछ महत्वपूर्ण बातों की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और अगर आपको डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसका पूरा इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है और ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं, और आपको ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन करा लो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर ये कहता हूँ कि ऑपरेशन कभी मत कराना। जी हाँ, क्योंकि जो आपकी स्थिति अभी इस टाइम पे है वो आपकी स्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। दोस्तों ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ऑपरेशन कराया था इंडिया के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर से। जी हाँ, क्या उनको कोई फायदा हुआ? नहीं ना दोस्तों, इंडिया से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन के द्वारा विदेश यानी अमेरिका से डॉक्टर बुलाए गए थे। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रानावत और उसने दुनिया के सबसे बेस्ट घुटने यानी कि घुटने के कप्स अटल जी के घुटनों में फिट किए। अब अटल जी को ही देख लीजिए आप, पहले तो थोड़ा बहुत चल भी लिया करते थे लेकिन ऑपरेशन के बाद तो चलना ही बंद हो गया, सिर्फ व्हीलचेयर पर ही रहते हैं। और ये बात वो खुद कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा तकलीफ में रहते थे। तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ये काम ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तो करें तो करें क्या, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करा लो, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप चूना खाइए। जी हाँ दोस्तों, चूना एक क्षारीय चीज है जी, जो आपके शरीर की अम्लता यानी कि एसिडिटी को कम करता है। जब आपके शरीर में ज्यादा अम्लता यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है तो आपको अर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। तो आप बेधड़क एकदम चूना खाइए। खाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, आसान है। आप चाहे तो दही में खाइए, छाछ में, पानी में या फिर जूस में। और एक दिन में जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं वो दिन में 2 ग्राम तक खा सकते हैं, और जो बिल्कुल हेल्दी इंसान है तो उसको तो मैं कहूंगा कि वो सिर्फ 1 ग्राम ही खाए। चूना खाइए आप, ठीक है। इसके अलावा आप मेथी दाना ले लीजिए, वो भी एक क्षारीय चीज है। और जो सबसे ज्यादा क्षारीय चीज है वो है दोस्तों, क्या आपने हार श्रृंगार देखा है? दोस्तों उसका छोटा सफेद कलर का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है उसकी। सफेद फूल और केसरिया डंडी, बहुत ही अच्छी सुगंध भी होती है। सिर्फ रात को ही खिलता है ये फूल, रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, हार श्रृंगार भी कहते हैं। दोस्तों ये जो पेड़ के पत्ते हैं वो पूरे वर्ल्ड में यानी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय माना जाता है, जितनी भी औषधियां हैं। जी हाँ तो दोस्तों, अगर आपको इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं तो आप इसके करीब 4 से 5 पत्ते ले लीजिए और उसको पीस लीजिए। पीस कर आप इसको पानी में डालिए और इसको आप खूब उबालिए। पानी इतना उबालें कि जितना पानी है वो आधा रह जाए उबल कर, यानी कि थोड़ा पानी रह जाए, और उस पानी को आप फिर ठंडा कर लीजिए। और फिर वही पानी आप सुबह सुबह सवेरे खाली पेट चाय की तरह चुस्की लगाते हुए पी जाइए। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि चाहे कितना भी कोई गंभीर अर्थराइटिस का पेशेंट हो, उसको हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है वो, अगर वो इस्तेमाल करता है ये नुस्खा। तो आपको ये कहीं भी मिल जाए पत्ते तो आप इसको ले लीजिए और उसे इस्तेमाल करें। अगर आपको ये पौधा नहीं मिलता है तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि हार श्रृंगार का पौधा आप किसी भी अपने घर के आसपास जो नर्सरी है वहां जाके पता करिए, आपको मिल जाएगा और उसको आप अपने घर पर लगा लीजिए। आप उसे अपने घर पर ही आसानी से उगा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत फायदा देगा, और मैं सच बता रहा हूँ ये आपका बहुत काम आएगा जी। अगर आपके घर पर ये होगा तो आप कभी भी अर्थराइटिस शिकायत, तो आपको हमेशा अर्थराइटिस जैसी बीमारी से बचाव मिलेगा। आज के टाइम पर अर्थराइटिस की समस्या बहुत ज्यादा आम हो रही है, तो ऐसे में आपके घर में इसका इलाज मौजूद होगा तो आप हमेशा सेफ रहेंगे, आप हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। खुशबू तो अच्छी आएगी, आपको नींद भी अच्छी देगा ये, और जो इसका पत्ता है वो आपको अर्थराइटिस से मुक्ति देगा। फिर चाहे कैसे भी टाइप की अर्थराइटिस हो, चाहे रूमेटॉइड हो या फिर ऑस्टियो, दोनों ही टाइप की अर्थराइटिस खत्म होती है जड़ से अगर आप हार श्रृंगार के पत्तों का सेवन करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, आपको दोस्तों कैसा लगा? तो दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही, आप इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इस टाइप की समस्या है या प्रॉब्लम है। आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव तो आप इसे कमेंट के जरिए हमें जरूर शेयर करें। दोस्तों मुझे आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इसको पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बस आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आप सभी ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।